दीपेंद्र हुड्डा को नहीं दिखता क्या? इनका कागजों में तो कुछ है ही नहीं, इनका तो सारा पोर्टल पे ऑनलाइन है, किसी का कोई डाटा देखो, ये किसको हिसाब मांग रहे किसी, ये तो बिल्कुल बकाने वाली है, मूर्ख बनाने वाली बात है। भाई किससे हिसाब, कोई पूछे दीपेंद्र हुड्डा से भाई कौन सा हिसाब मांगे, कौन सी पही में लिख रहे, क्या हिसाब बता दो, सब पोर्टल पे है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गहलावत ने भी गोहाना विधानसभा से अपनी मजबूत दावेदारी ठोक दी है और हमारे साथ मौजूद भी हैं। गहलावत साहब, आपने भी गोहाना विधानसभा से अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है, किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, हरियाणा स्पेस के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और दावेदारी तो नहीं ठोकी, हम अपना काम करते हैं, हल्के में जाते हैं रोजाना, जो भी पार्टी ने हमारे को जिम्मेवारी लगा रखी है। अब की बार पहले मेरे को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, मोहाना मंडल की, खानपुर मंडल को मेरे को बूथ पे प्रवास के लिए लगाया है, उसका भी मेरे को जिम्मेवारी दी पूरे मंडल की खानपुर की। तो हम रोजाना गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और हर एजेंट के बात करते हैं, जाके तेरी देव से शक्ति केंद्र से हम विधिवत रूप से जो पार्टी ने हमारे जिम्मेवारी लगाई हम उस पर कायम कर रहे हैं। तो गोहाना विधानसभा भी एक हॉट सीट है क्योंकि यहाँ अभी तक कमल नहीं खिला है, बड़ी चुनौती है, कैसे देखते हैं अगर आपको मौका मिलता है, कैसे देखते हैं यहाँ कमल खिलाने का जो एक चुनौती है? देखियो, मौका तो पार्टी का है, जो भी जिसको भी मिलेगा, हमारे को मिला या दूसरे को मिला, हम तो यही कहते हैं जो आज पार्टी एक इस पोजिशन पर है कि आज बड़ी सोच समझ के करने की बात है, क्योंकि जो फील्ड में रहता है ना आदमी, लोग उसी को पसंद करते हैं और उसी उस वो किसी के दुख सुख में शामिल होता है और उसी का ये चेहरे का चुनाव की बात। तो जो भी आदमी फील्ड में ज़्यादा रहेगा उसको ज़्यादा लाभ तो मिलेगा पार्टी का। लेकिन जिस तरह से नए नए लोग भी आ रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, और गोहाना एक शहर भी विधानसभा के अंदर है, तो जो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं उनको लगता है कि भाई गोहाना शहर है, यहाँ से टिकट मिली तो जीत हो जाएगी, लेकिन जो समीकरण है, जो धरातल की बात करें, तो हालात कुछ अलग ही लग रहे हैं। देखिए, यहाँ पे वैसे टिकट मांगने का तो सबको अधिकार है, हर वर्कर का, जो भी पार्टी का वर्कर है उसको अधिकार है, मांगनी भी चाहिए। परंतु ये यहाँ पे टेक्निकल, ये भौगोलिक दृष्टि से आप देखोगे तो यहाँ पे 65 गाँव भी हैं और गांव भी गोहाने शहर के अलग सोनीपत शहर को भी लगते हैं, एक गोहाना शहर हो गया, एक गोहाना शहर के साथ के गांव हो गए, और कुछ गांव यहाँ ऐसे हैं आधे गांव जिसका गोहाने से ही मतलब नहीं है, वो सोनीपत से मतलब है। तो ये की बार बड़ा जो जिस जो गोहाने में रह रहा है, जिसका गोहाने में अच्छा प्रभाव है, गोहाने गाँव में और वो परले गाँवों में भी जिसका प्रभाव है ना, उसकी दाल गलेगी। हम तो आपको मौका दिया तो आप कह रहे हैं कि भाई अच्छा, लोगों का आपको समर्थन मिलेगा क्योंकि आप पुराने लोकदल ही भी रहे हैं और लोकदल और जो JJP है उसके भी जो आपके संपर्क में लोग, अगर आपको मौका मिलता तो क्या सारे समीकरण साधने में कामयाब हो जाएंगे? देखियो, पार्टी अगर कोई जिम्मेवारी मेरे को देती है तो हमारा तो पुराना लोकदल था, वो तो हमारा ही है जो आजकल कांग्रेस में है, वो हमारे सब मिलने वाले हैं, पूरे पार्टी के सहयोगी हैं, उनको कोई चीज़ रास नहीं आ रही, इसलिए तो कांग्रेस में गए हैं। नहीं तो जब हम जाएंगे उनके पास, हम जाते भी हैं, और तो सब हमारा पूरा लोकदल हमारे साथ BJP में शिफ्ट हो जाएगा। तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, क्योंकि वहाँ सेंध लगानी पड़ेगी अगर यहाँ से भाजपा को जीतना, तो क्या वहाँ सेंध हमारी कर दोगे? वही लोकदल है, वो कांग्रेस में गया, उसमें से हम मैक्सिमम कांग्रेस का ही आदमी हमारे साथ आएगा, जो लोकदल का हमारा पुराना JJP या लोकदल का जो भी वोटर था, हमारा वर्कर था, उनको हम सोचते हैं अपने मन में है शायद वो हमारे साथ, हमारी बात भी होती है, अबे आप आ जाओ हम आपके साथ हैं, तो वो लोग हमारे साथ आ सकते हैं और सारी भी कांग्रेस की वोट हमारे पास आएंगी। जिस तरह लोकसभा चुनाव में BJP कांग्रेस दोनों में टक्कर रही है, विधानसभा में भी ऐसा ही लग रहा है कि दो पार्टियों के मुख्य रूप से टक्कर रहेगी? हाँ, ये तो अब लग रहा है कि दो ही पार्टी रहेगी, BJP और कांग्रेस, इन तीसरी पार्टी तो थोड़ा बहुत होगा तो बहुत ही नाम मात्र है, ज़्यादा नहीं किसी पार्टी। इस एरिया की बात करें गहलावत साहब, भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से कह रहे हैं मेरे मन में टीस है, मेरी आखिरी लड़ाई है, और यहाँ उनका प्रभाव भी है। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा तो शुरू से यही बात कहता है, वो ये भी कहता है भाई मैं यहीं से बना था, पीछे 10 साल राज करा भूपेंद्र हुड्डा ने, यहाँ पूरे एरिए का कुछ नहीं किया। मैं आपको याद दिलाऊं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने KMP की नींव रखी थी, उसके बाद 10 साल भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर KMP पे एक तोड़ा माटी भी नहीं पड़ी। तो अगर वो KMP उस टाइम पे बना होता तो पूरा ये भादरगढ़, झज्जर, गवाना, सोनीपत जो आज रोडों की बाहर है, ये हमारी आज से 10
20 साल पहले होती, तो भूपेंद्र उठा दो यहाँ सरपी शेरिये को यूज करता है, भाई मैं नाम ले गए यहाँ पे करूँ, उसने यहाँ करना कुछ नहीं है। और एक इसका बहुत बड़ा सबूत है, अब पहले 10 साल ना तो नौकरी दी है, ना कोई विकास हुआ है, ना कोई वो कोई बात हुई है, बस ये कहे कि भाई तुम मेरे मैं थारा, ये बात कह के आ जाता है। और हमारा जो किसान वर्ग है, जो लोक दल का जो कार्यकर्ता है, वो बीजेपी की बजाय उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। और हमारा इंडियन नेशनल लोक दल जेजेपी की पार्टी के लिए ज़्यादा दिक्कत होगी, वहाँ कुछ बचा नहीं, इसलिए वहाँ का वर्कर वहाँ शिफ्ट हो गया। तो बीजेपी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा आज ही, एंटी इनकम्बेंसी जो रही है उसका फायदा कांग्रेस को रहा है? देखिए, बीजेपी ने जो भी आज तक जितने विकास कार्य आज तक किए हैं, शायद किसान मजदूर के लिए, छोटे कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए जितनी भी परियोजनाएं बनाई हैं, ये सारी हमारी पोर्टल के थ्रू बनाई है। और पोर्टल में कहीं ना कहीं कोई गलतियां रहेगी, फीड करने वाले से गलतियां होगी, चाहे हमारे किसी अटल केंद्र वाले से गलतियां होगी, चाहे किसी के आदमी के बताने से गलतियां होगी। सिस्टम बहुत बढ़िया है, अगर कोई समझदार है, पढ़ा लिखा, तो घर बैठे सारी चीज़ अपनी कर लेता है। और एक विकास की क्रांति है ये, क्योंकि आगे पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और यही कामयाब होगा। आज भूपेंद्र हुड्डा जो कह रहे हैं मैं पोर्टल से नहीं करवाऊंगा, पोर्टल के बिना कोई चारा ही नहीं है। तो बीजेपी ने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, इनको प्रॉपर क्रिया में इतनी हो पाई है, जो आज हमारे मुख्यमंत्री जी फिर भी बार बार कह रहे हैं अब हम फिर कैंप लगवाएंगे, सबकी आईडी ठीक करवाएंगे, सबके हमारे जो आधार कार्ड है, कोई राशन कार्ड है, चाहे कोई आयुष्मान कार्ड है, चाहे कोई फसल बीमे की बात है, चाहे कोई पोर्टल की बात है। किसान के लिए बीजेपी ने आज तक किसी ने किसान मान सम्मान योजना किसी ने चलाई, जो 6000 रुपये हमारे मैक्सिमम किसानों को मिलती है। 6000 में 22 कट्टे यूरिया का खाद आता है, छोटे से किसान के लिए यूरिया खाद लेने की पूरे साल जरूरत नहीं है। और उसको उसके हर इम्प्लीमेंट पे सब्सिडी है, उसकी फसल का बीमा होता है, पशुधन का बीमा होता है। इतने काम गिनवा रहे हो, दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, तो फिर वो इस और जो उनकी यात्रा उसमें भीड़ भी काफ़ी मड़ रही है। देखिए, यहाँ पे एक झूठा जुमला चलाया गया, नहीं तो हिसाब किससे मांगे, पोर्टल पर सारा हिसाब तो है, सारा हिसाब हरियाणा का 10 साल का ऑनलाइन है। वो दीपेंद्र हुड्डा को नहीं दिखता क्या? इनका कागजों तो कुछ है ही नहीं, इनका तो सारा पोर्टल पे ऑनलाइन है, किसी का कोई डाटा देखो, ये किसको हिसाब मांग रहे किसी, ये तो बिल्कुल भगाने वाली है, मूर्ख बनाने वाली बात है। भाई किससे हिसाब, कोई पूछे दीपेंद्र हुड्डा से भाई कौन सा हिसाब मांगे, कौन सी पही में लिख रहे, क्या हिसाब बता दो। सब पोर्टल पे है, पोर्टल सरकारी है, खोल के किसी का खाता देख लो, जिसका हिसाब देखना हो, किसी पंचायत की देखना हो, या किसी गरीब किसान मजदूर का, या मुआवजा बटा है 12.5 करोड़ रुपये मुआवजा बटा है, तो ये कि देख लो पोर्टल पर पड़ा है, इसमें देख हिसाब मांगने क्या जरूरत है। ये तो ठीक है, जुमला है, लोग बहकाए में आ जाते हैं, वो ये नहीं समझते कि भाई जब चीज़ को हर आदमी की जो भी पैसा आता है ना पोर्टल के थ्रू सीधा बैंक खाते में आता है, तो हिसाब कौन सी बही में लिखा है जो मांग रहे, बका रहे लोगों को। तो फिर हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में बीजेपी आप होगी है और विधानसभा में साफ हो जाएगी। देखिए, वो तो अपोजिशन है, वो तो कहेंगी हम नहीं कह रहे कांग्रेस कहीं है ही नहीं, हम बीजेपी वाले नहीं कह रहे कांग्रेस कहीं भी नहीं है, किसी सत्र में भी नहीं है। थोड़े लोग बहकाई मांगे थे, वो ज़्यादा दिन बकाई नहीं चलेगी। तो अब जिस तरह से नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं और अमित शाह कह के गए कि भी उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, मोहनलाल बड़ोली को नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, ये सब जो समीकरण बने हैं, इस चुनाव पर क्या असर देखते हैं? देखिए, हमारे मोहनलाल बड़ोली जी को जो प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है कि सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली को, और बहुत ही सूझबूझ के आदमी, संगठन के आदमी, जिन्होंने बचपन से ही 18 साल की उम्र में इस संघ में काम करके और चुनाव लड़े, सारे जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा है, MLA का भी चुनाव लड़ा है, MP का भी लड़ा है, बीच में ये जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, महामंत्री भी रहे हैं प्रदेश के 2 बार, तो इतनी अच्छी तरह पदों पर होते हुए जैसे जो भी जिम्मेवारी मनोहर लाल जी को दी है, ये पार्टी का बहुत अच्छा फैसला है। और दूसरा फैसला ये कि सोनीपत से है, सोनीपत के जिले के लोग, हर आदमी अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष मानता है, क्योंकि सीधी उनसे जान पहचान है, हर एक आदमी अपनी समस्या गिनवाता है और वो सब का 1 मिनट में निवारण करती है।
जो मनोहर लाल जी ने फैसले लिए थे, अब उन पर यू टर्न लिया जा रहा है सैनी सरकार के द्वारा, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो यू टर्न नहीं ले रहे, उसमें थोड़ी राहत दे रहे हैं। जैसे सरपंचों को 21 लाख रुपए तक का दे दिया, भाई वो कराए तो टेंडर से के काम, पर वो उनको यूं दे दिया भाई, चलो भाई जेई के उसके उनकी समझ में थी, वो अपने तरीके से पॉलिटिकल आदमी है भाई, उनने कौन सी गाड़ बनवानी अपने तरीके से गाड़ बनवा लेंगे। अब तो वो सिस्टम तो ठीक है, टेंडर से है, वो बहुत अच्छा सिस्टम है, उसमें सरपंच का भी बचाव होता है, उन पर भी कोई एलिगेशन नहीं आएगा और उनकी मर्जी से काम भी हो जाएंगे। लोगों में एक चर्चा है कि भाई जब बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, जो पार्टी अच्छे उम्मीदवार उतारेगी उसी की सरकार बन जाएगी। देखियो दहेज, जो अच्छे उम्मीदवार ग्राउंड के उम्मीदवार उतारेगी, जिसका पूरे उसमें जो भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेंगे उसमें होगा कुछ, तो शायद उसको कामयाबी तो मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को। तो जो लोकसभा में 5 सीटें आ रही है भाजपा, क्या उन बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा उसके बाद? देखिए, तो बड़े नेतृत्व का शिखर नेतृत्व की बात है, हम तो बिल्कुल जिले लेवल का हमारे पास पद है, हम तो बहुत ही नए हैं और हमने तो संघर्षशील है, हमने काम किया, पार्टी में पहले भी करते आए हैं और अब फिर उसी तर्ज पर बन रहे हैं। हम तो सुबह जाते हैं गाँव में, घूम घाम कर आ जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अपनी ओर से पूरी तैयारी है? हम तो तैयारी हर टाइम होती रही, तैयारी वर्कर को अगर कोई ऐसी तरह की चीज़, किसी वर्कर को इस तरह कोई जिम्मेवारी मिल जाती है तो उसके लिए तो वही सपना है, वो साकार हो जाता है उसका। कोई वर्किंग करता किसी न किसी नाम से तो करता ही है, हमारे वर्कर हैं, छोटे वर्कर सद, मेरा काम हो जाए, मेरे नौकरी लग जाए, बच्चा मेरा ये काम हो जाए, और उससे ऊपर चल के सोचता भाई मैं थोड़ा बहुत और ऊपर उसमें कर लें, कोई उससे ऊपर कोई टिकट की जो सपना लेता है, अगर उस सपने को अगर कोई साकार कर दे तो उससे इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती, वो तो पार्टी का लेवल की बात है। पर जिसको पार्टी अगर ऐसी जिम्मेवारी दे देती है वर्कर को, सामान्य वर्कर को जो सुबह निकलता है, घूमता फिरता है, लोगों से मिलता जुलता है, और उसको कोई जिम्मेवारी दे दे भाई तुझे चुनाव लड़ना है, तो इससे बढ़िया उसके लिए क्या बात है।